रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। आप सबको मेरे आज के व्लॉग में खुश आमदी। सर्दियाँ माशाल्लाह आ चुकी हैं और आज रात को भी बेहतरीन किस्म की बारिश हुई है और सही क्लाउडी वेदर हुआ हुआ है और माशाल्लाह 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 बहुत मज़े की ना फुनकी हुई है। तो हमने सोचा इस प्यारे मौसम का जो है फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना ज़बरदस्त किस्म के जो है पाए बनाए जाए। तो बकरे के पाए हमने जो है वो बनाए हैं। इनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने इनको पहले घंटा लगाया है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो मैंने लगाए हैं इनके वो बाल चुनने में, क्योंकि छोटे 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 बाल इनकी स्किन के अंदर भी रह जाते हैं। जब तक वो प्रॉपर साफ़ ना हो इनको खाने का और पकाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। पर इनको धो के साफ़ करके कुकर में इनको डाला है। फिर जितने ड्राई मसाला जात होते हैं, स्पेशली इसमें गर्म मसाला आप थोड़ा ज़्यादा डालें, लाइक दालचीनी जो है और बड़ी इलायची जो है ज़्यादा डालें, क्योंकि बकरे की जो है गोश्त की खास अपनी एक स्मेल होती है, वो जब तक आप मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं जाती है, वरना वो खाते हुए भी आपको फील होती है। तो जिस तरह से गोश्त रखते हैं मैंने उस तरह से इस सारे मसाले और प्याज और लहसुन सब कुछ डाल के ना इसको मैंने पानी डाल के इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, रख दिया था इसको। गर्म मसाला फिर मैं आपसे कह रही हूँ ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना इस गोश्त की वो ज़रा देर से जाती है। तो अगर आप गर्म मसाला ज़्यादा डालेंगे, काली मिर्चें, लौंग और इलायची, बड़ी इलायची, तो ज़ीरा, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है वो लाजमी डालें ताकि इसकी जो स्मेल है वो बरकरार ना रहे, वो ख़त्म हो जाए। तो सर्दियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अपने पूरे, मुझे सर्दियाँ पर्सनली बहुत बहुत पसंद हैं, बल्कि मैं क्या ऑलमोस्ट 90% लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपको गर्मियाँ अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि गर्मियों में ये है कि हमारे मुल्क में तो खैर लाइट जाने का स्यापा, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, फिर ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये है जब आपके पास फैसिलिटीज़ पूरी ना हो, वो कहते हैं ना आपके पास साजो सामान पूरा ना हो। और ये माशाल्लाह हैदर को आप देख सकते हैं, ही इज़ ऑल टाइम माशाल्लाह ही इज़ विद मी। मैंने जो कुछ करना है, जो भी काम करना है, मामा साथ मामा साथ मामा साथ, तो मेरा एक वो कहते हैं ना दुमचला बन के साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह करता है। तो बात हो रही थी गर्मियों की, आपके पास जब फैसिलिटीज़ पूरी हों लेकिन आप उनको यूटिलाइज़ ना कर सकें तो फिर उस वो मौसम आपके लिए ना मुश्किल होता जाता है। तो हम सब लोगों के पास पंखे हैं, एयर कूलर्स हैं, कुछ लोगों के पास एसीज वगैरह भी हैं, लेकिन क्या मसला है, लाइट की फैसिलिटी हमारे इख्तियार से बाहर हो जाती है तो फिर हमारे लिए वो मौसम मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों का ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इस बात से लगती है, आप जहाँ कहीं भी आप बैठ जाएँ पढ़ जाएँ और आपको ना ये नहीं होता है कि चिप चिप हो रही है, गर्मी है, ये है वो है, मतलब माशाल्लाह ये कोजी इन्वायरमेंट माशाल्लाह अच्छा एक आपका रहता है। तो इसलिए सर्दियाँ ज़्यादातर लोगों को जो है वो पसंद होती हैं। तो ये मैंने 45 मिनट्स दिए थे इनको, तो उसके बाद फिर मैंने जो है कर लिया था, चूल्हा बंद किया, थोड़ा सा पानी इनमें रहता था वो पानी मैंने निकाल लिया था, वो बाद में इसको मैं ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, अगर कंप्लीट ड्राई होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने ये देखना होता है गोश्त या आपके जो पाए हैं, अगर ये अच्छे तरीके से गल गए हैं तो जो एक्सेस पानी बीच में रह जाता है उसको आप निकाल लें, बाद में जो है वो शोरबा वगैरह बनाना हो या ग्रेवी बनानी हो तो साथ साथ आप उसको यूटिलाइज, इतना ज़्यादा पानी नहीं होता लेकिन आप उसको साथ साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब टमाटर डाल के थोड़े थोड़े मसाले जात मैंने और डाले थे, क्योंकि मुझे थोड़े से ना कम लग रहे थे, इनमें थोड़े से तुरशी अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे हों और मसाले कम हों तो मज़ा नहीं आता इनका। तो ये इनको भी मैंने भून लिया था अच्छे से, ऑयल वगैरह मैंने बाद में डाला है और ये माशाल्लाह इतने मज़े के बिल्कुल, जितने ज़्यादा ये अच्छे गले हुए होते हैं उतना इनका खाने का मज़ा आता है। 45 मिनट्स, वैसे जो बकरे के पाए होते हैं उनका टाइम हाफ एन आवर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 45 मिनट्स इसलिए रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गले हुए हम लोगों को अच्छे लगते हैं, हम लोगों ने उस हिसाब से ज़रा अपना टाइम ज़्यादा दिया है। जो बड़े पाए होते हैं जैसे गाय के हो गए तो उनके लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर जो है वो रखना पड़ता है, 45 मिनट्स में वो भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे अगर आपने गलाने हैं तो आप एटलीस्ट उनको 1 आवर ज़रूर दें कुकर के अंदर। तो फिर ये जो भी चीज़ें वगैरह रहती थी वो मैंने साथ साथ ऐड की हैं। और एक और चीज़ ये है कि 45 मिनट्स का मतलब ये है जब सीटी उसकी बोलना शुरू हो जाए ना कुकर की, तो उसको 45 मिनट आपने देने हैं। जब ये नहीं कि आपने चूल्हा जला दिया और बस 45 मिनट्स के बाद आपने उतार देना, नहीं, चूल्हा जलाने के बाद जब उसमें स्टीम भरी जाएगी कुकर में तो जब उसकी सीटी जो चलनी है उसको आपने 45 मिनट्स चलने देना है, उसके बाद आपने इनको करना है। दूसरी अहम बात ये जो आज की दुआ है माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक्कुल मुबीन, दिस इज़ फॉर द रिस्क, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो है वो कोट करते हुए कहा है कि रिस्क की तंगी दूर करने के लिए, ये मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट हदीस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट हदीस, मफहूम उसका ये है कि आप रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए इस तस्बीह को, इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह से ये हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए, अब जो पानी बच गया था उसको मैंने दोबारा ऐड किया है, उसको मैं अच्छे से जो है इसमें मतलब हमने इसकी ग्रेवी वगैरह बना लेनी है, फर्दर पानी इसमें ऐड मैंने नहीं किया,
क्योंकि उसका जो अपना पानी बच गया था वही माशाल्लाह उसमें सारा ऐसा वो अगर ना अरक और असर मौजूद था, उसी को यूज़ करते हुए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए कुकर बंद किया था जस्ट फॉर द 2 मिनट्स कि वो अच्छे से उसमें मिहाल हो जाएँ और ग्रेवी इनकी बन जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े के जो है वो तैयार हुए थे, बिल्कुल हमने ग्रेवी ग्रेवी वाले रखे थे। और ये उसके ऊपर डालने के लिए जो गार्निशिंग थी, कोशिश करें कि आप पुदीना जो है वो कम डाला करें, 1-2 पत्तियाँ उसकी डाल दिया करें, क्योंकि पुदीना जो होता है ऐसे जो खाने होते हैं उनमें पुदीना जो ऊपर अगर ज़्यादा थोड़ा सा डल जाए तो वो कड़वाहट का बायस बनता है, वो जब आपके मुँह में आता है तो आपको समटाइम्स वो कड़वाहट का टेस्ट देता है, वो फिर ज़्यादा टेस्ट उसी का आ जाता है, ओरिजिनल हांडी जो होती है उसका टेस्ट थोड़ा सा उसकी वजह से वो कहते हैं ना बैठा बैठा हो जाता है, कम हो जाता है। तो धनिया एंड ग्रीन चिलीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गार्निशिंग। इसके साथ आप मैंने ज़ीरा जो था वो ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसको मैंने ग्राइंड करके उसके ऊपर मैंने एंड पे जो है ना वो कहते हैं ना ऊपर डाल देना मसाला, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो गए थे माशाल्लाह तो उनके ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए ये चीज़ें रेडी कर ली थी। ये था हमारा आज का ब्लॉग। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। इसके अलावा इंशाल्लाह अहले फ़लस्तीन और अहले गाज़ा पर मैं वीडियो एक बनाना चाह रही हूँ और एंड आई नीड योर सपोर्ट, मुझे इस आपका फीडबैक चाहिए कि मुझे क्या उस बारे में वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ मेरा बड़ा दिल है कि मैं जो आजकल सरकमस्टांसेस जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में हम एक बात ज़रूर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अपने अपना मुझे फीडबैक लाजमी दीजिए। ये हमारे माशाल्लाह फाइनल लुक अभी आप देखेंगे, बहुत 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 मज़े के बने थे। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, सर्दी को एंजॉय करें, सर्दियों का मौसम तो आ चुका है लेकिन अपनी सेहत का भी बहुत 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 ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।